ए बच्चे मम्मी कहाँ तेरी। उस ट्रेन का हो चुका है एक्सीडेंट, वो थी मालगाड़ी। 32 आवर्स की जर्नी करने के बाद बहुत थक गए, सो वी आर एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up. Let the journey begin. Salam saab. ए वो क्या कहते हैं उसको जो सामान उठाता है, कूली, ले कूली सामान, विराट कूली। सो वी आर एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। चल भाई चले साथ घूमी घूमी। ए बच्चे मम्मी कहाँ तेरी। The next morning. भाई अभी सुबह के हो रहे हैं, रुको टाइम दिखाता हूँ मैं तुम्हें। सुबह के हो रहे हैं 9:15 और हमारी ट्रेन जो है वो सुबह 4:30 से रुकी हुई है, क्योंकि इस ट्रेन के आगे जो ट्रेन थी उस ट्रेन का हो चुका है एक्सीडेंट, वो थी मालगाड़ी, तो उस वो पलट गई है तो उसका हो चुका है एक्सीडेंट। तो अब हमारी ट्रेन मतलब अब 4:30 रुकी थी और अब 9 बज गए और अब जाकर डाइवर्ट हुई है, अब ये जा रही है वापसी। और ट्रेन ऑलमोस्ट मतलब 12, 13, 14 पता नहीं कितने घंटे लेट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाली है। 5 घंटे ऑलरेडी लेट है और अब 7-8 घंटे का और लंबा रूट लेगी और दूसरे रूट सब जाएगी। सो लेट्स सी अभी कितनी देर में पहुँच जाएगी, क्योंकि भाई ऐसी तैसी हो चुकी है पूरे टाइम की। अब देखो मतलब हम अगर टाइम टू टाइम चलते तो हम पहुँच जाते 1 बजे करीब, बट अब नो आइडिया। सो गाइज वी आर फाइनली इन गुरुद्वारा। तो ये है गुरुद्वारा, यहाँ पर ये रुकने की जो सराय होती हैं वो एक सराय उधर है। सो अभी बस हम दर्शन करने जा रहे हैं और फाइनली इतनी लंबी जर्नी के बाद हम फाइनली गुरुद्वारा पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तो अभी पूरी स्टोरी तो तुम्हें मैंने इससे पहले बताई दी है जैसी भी है। तो ओके फाइन दर्शन करते हैं, तो मैं भी कराता हूँ अगर अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड होगी, एंड देन वी विल डू लंगर। मतलब इधर की तरफ लंगर है, लंगर प्रसाद। तो लेट्स सी मतलब इतनी लंबी जर्नी के बाद कहाँ रुक रुक के ट्रेन मतलब डबल ट्रिपल जर्नी करने के बाद हम फाइनली आ चुके हैं। तो अभी बस यहाँ लंगर है, पहले दर्शन करेंगे यहाँ पे एंड देन लंगर करने जाएंगे बस, फिर देखते हैं फिर करेंगे रेस्ट, क्योंकि बहुत थक गए। मतलब 32 आवर्स की जर्नी करने के बाद बहुत थक गए, तो अभी देखते हैं जैसे भी होगा। अभी यहाँ से दर्शन वगैरह करके हम जाएंगे रेस्ट करने, थोड़ी देर सोएंगे फिर निकलेंगे दोबारा मार्केट वगैरह और आसपास एक्सप्लोर करने। सो जस्ट अभी हम लंगर करके हटे हैं, मतलब मेरा और पापा का हो गया और बहन और मम्मी खा रही हैं अभी, क्योंकि अभी सिर्फ पापा और मैं जाके दर्शन करके आए थे, मम्मी और बहन के दर्शन बचे हैं, तो अभी हम इनके साथ दोबारा जाएंगे। तो चलते हैं। सो गाइज वी आर फाइनली हेयर, सो दिस इज द रूम। तो सो हियर इज द वॉशरूम और हियर इज द बाथरूम, दिस वन, एंड एक डबल बेड यहाँ पर है, एक डबल बेड यहाँ है,
ये वार्डरोब टाइप्स और ये ड्रेसिंग, हेलो, और ये यहाँ से नीचे सारा गुरुद्वारा, ये देखो हो रहा। 336 minutes later. So guys, right now time is 5:30 और मैं बहुत देर बाद मतलब व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि आके हम रेस्ट करते सब सो हुए थे, बहुत थके हुए थे, तो अभी टाइम जैसे मिल गया है 5:30 हो चुके हैं और हम जा रहे हैं बाकी आसपास के गुरुद्वारे दर्शन करने और थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करने, जो भी होगा मार्केट वगैरह। और ये देखो पीछे बहुत सुंदर लग रहा है सराय जिसमें हम रुके हुए हैं, ये देखो हाँ चाय मेरे पास है। This is the gallery. अभी चल रहे हैं, बस लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। रात को मतलब देखो पूरे में लाइटिंग होके इतना सुंदर लगता है ये, वो देखो पूरा, मतलब अगर हम ब्राइटनेस कम करूँ तो और अच्छे से दिखेगा। एक मिनट, मतलब कितना ही सुंदर लग रहा है यार। तो भाई अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा बाल लीला से गुरुद्वारा पटना साहिब की तरफ, तो मतलब ये बीच में से एक रोड कनेक्ट करती है, पूरा मार्केट वाली रोड है, सो सब यहीं से जाते हैं, काफ़ी पतली है बट ठीक है। तो अभी यहीं से जा रहे हैं, इसी रोड पर सीधा आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ता है पटना साहिब गुरुद्वारा। फिर वी आर एट पटना साहिब गुरुद्वारा, मतलब ये पूरी गुरुद्वारे की वॉल है, सो वहाँ पे वो वहाँ पे एंट्री है। सो गाइज, दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ पटना साहिब गुरुद्वारा, मतलब यहाँ पे देख सकते हो, एंड हियर इज द मेन गुरुद्वारा साहब, ये रहा। मतलब जब लाइटिंग होती है कितना सुंदर लगता है, पर्पल क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये पर्पल लाइटिंग रखी हुई तो बहुत सुंदर लग रहा है। सो गाइज, अब हमने पटना साहिब गुरुद्वारे दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे है कंगन घाट गुरुद्वारा, दूसरा है वहाँ पे, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने कंगन फेंके थे शायद से, आई गेस ऐसे कुछ है। तो अब हम आ जा रहे हैं और ये देख कितना ही सुंदर है यार, जाते जाते पी रहे हैं बीच में लस्सी। तो मम्मी लो टेस्ट करो कैसी है, बहुत बढ़िया। तो पापा ने टेस्ट करिए, मैं टेस्ट करूँगा, देखते हैं पी के। मजा आ गया ना। अरे पटना की बहुत चीजें मशहूर है भाई। मजा आ गया। वैसे अभी हम सारे गुरुद्वारों के जो आसपास तीन, इसके अलावा जिसमें हम रुके हुए हैं, इसके अलावा दो गुरुद्वारे और हैं तो उसके हम दर्शन करके आ चुके हैं। तो अभी मेरे हाथ में मेरे शूज हैं, तो अभी काफी थक गए, अभी जा रहे हैं फटाफट रूम में, मतलब पापा और बहन चले गए, मम्मा अभी आ रही हैं और मैं जा रहा हूँ, तो
तो थोड़ी देर में आएंगे, बाद में खाना वगैरह खाने, लंगर चखने। तो अभी चलते रूम में, फिर तुमसे मिलता हूँ। और बाकी आज जो जो भी हुआ तुम्हें बता दूंगा। सो हियर इज द रूम।